हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई ये खड़ी हुई है अपने पास जो अभी 2024 मॉडल स्विफ्ट लॉन्च हुई है उसका VXI मॉडल है, मतलब बेस से ऊपर वाला मॉडल है। और वो चीज आप साइड से देख के समझ गए होंगे बिकॉज गाड़ी के अंदर भाई अपने के अंदर अलॉय व्हील नहीं है और 14 इंच वाले टायर है इसके अंदर, क्योंकि जो अपना टॉप मॉडल वगैरह आता है उसके अंदर अपने को 15 इंच के अलॉयज मिल जाते हैं। बाकी इस गाड़ी के जो फीचर्स वगैरह है उन चीजों को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, साथ ही साथ बाइक का और बाइक की याद आ जाती है क्योंकि मैं मोस्टली बाइक्स की वीडियोस बनाता हूँ। तो भाई गाड़ी का जो इंजन है इंजन भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, काफी लोगों का कंफ्यूजन है इंजन साउंड को लेकर, वो चीज भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी इंटीरियर के अंदर क्या क्या चीज मिल जाती है बेस से ऊपर वाले मॉडल के अंदर वो चीज भी आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए कर लेते हैं अपनी वीडियो का शुरू। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को गाड़ी का इंटीरियर दिखा देता हूँ एक बार। तो भाई ये आप एक बार गाड़ी का इंटीरियर देख सकते हो, ऐसा अपने को हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे अपने को पूरी पावर विंडो मिल जाती है। भाई ये चीज इस गाड़ी के अंदर बहुत ही खास है कि बेस मॉडल के अंदर भी अपने को भाई पूरी पावर विंडो मिलेगी, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह सब कुछ सिस्टम मिलेगा अपने को। साथ ही साथ यहाँ पे भाई अपने को ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाता है। अभी मैं इसका मीटर ऑन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो भाई यहाँ पे आप एक बार इसका मीटर देख सकते हो, काफी बढ़िया सा दिखने वाला भाई मीटर भी दिया गया है। और साथ ही साथ जो भी अपना गाड़ी का गेट खुलेगा वो भाई यहाँ पे अपने को वार्निंग मिल जाएगी, ये भी काफी ज्यादा सही चीज है। उसके साथ ही साथ भाई यहाँ पे अपने को शायद से 7 इंच की स्क्रीन मिल जाती है जिसके अंदर भाई अपने को FM वगैरह क्या चल गया भाई ये तो बंद हो जाए यार, वॉल्यूम बंद हो जाओ बिल्कुल। रेंज वगैरह भी शो कर रहा है इसके अंदर भाई, मैं आप लोगों को एक बार इसके सारे फीचर्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपने को भाई रेंज वगैरह शो कर रहा है, एवरेज स्पीड शो कर रहा है, अभी तक गाड़ी 66 किलोमीटर चली हुई है और हिस्ट्री के अंदर भाई जो भी टॉप स्पीड वगैरह जो जाएगी वो दिखा देगा, यहाँ पे एवरेज स्पीड दिखा रहा है। और बाकी चीजें तो भाई इसके अंदर कोई और चीज दिखा नहीं रहा, डोर अनलॉक, लेन चेंज, विंकर, अच्छा काफी सारे ऑप्शन है भाई गाड़ी के अंदर, डोर ओपन का, पार्किंग ब्रेक, सीट बेल्ट, पार्किंग असिस्ट, लो फ्यूल इंडिकेटर, और भाई नेविगेशन वगैरह का सारा सिस्टम अपने को गाड़ी के अंदर भाई मिल जाता है। वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन भी भाई अपने को मिल जाता है, व्हीकल कंट्रोल, ओपन ड्राइविंग रेंज, मतलब वॉइस असिस्टेंट भी है भाई, अपन बोल के गाड़ी का मीटर कंट्रोल कर सकते हैं भाई, जो भी चीज अपने को पूछनी होगी वो अपन बोल के पूछ सकते हैं, जो पूछेंगे वो ये बता देगा अपने को। साथ ही साथ यहाँ पे भाई अपने को AC वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है, एक बार इसको चला के देखते हैं कैसा क्या सीन दे रही है, क्या बात भाई AC चल क्यों नहीं रही है, इसको बढ़ाता हूँ, फैन, हाँ अच्छा। तो भाई गर्मी का मौसम हो रहा है इसलिए भाई AC ऑन करनी पड़ गई है और पूरा भाई फैन को फुल पे कर दिया है, AC वगैरह सही चल रही है भाई। और टेम्परेचर कंट्रोल भाई अपने हिसाब से आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे AC वेंट मिल जाते हैं आपको, यहाँ पे AC वेंट मिल जाते हैं, वहाँ पे भी AC वेंट मिल जाता है। पीछे की साइड में वो देखता हूँ भाई, तो भाई जो ये वाला मॉडल है इसमें पीछे की साइड में अपने को AC वेंट नहीं मिलेंगे, टॉप मॉडल के अंदर वो मिल सकते हैं। इसका कंपेरिजन वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, जो बेस मॉडल है उसका और जो टॉप मॉडल है उसका जो कंपैरिजन वीडियो है वो लोग भी आपके लिए लेके आऊंगा मैं जल्दी से। और भाई ये है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर है ये गाड़ी। साथ ही साथ भाई यहाँ पे अपने को USB चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला अपने को 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे भाई अपने को जो बाकी नॉर्मल फीचर होते हैं गाड़ी के अंदर वो सब चीजें तो मिलती ही है। और अब मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहूंगा, तो यार इसके जो अंदर की बिल्ड क्वालिटी है, ये जो मोस्टली प्लास्टिक पार्ट दिए गए हैं, ये जो डैशबोर्ड वगैरह का जो भी सिस्टम दिया गया है ये भाई हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है, यहाँ पे भाई हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। और ये जो लॉक वगैरह सिस्टम है ये भी थोड़े क्वालिटी एवरेज सी लग रही है, और भाई प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक है क्वालिटी, यहाँ पे भी काफी ज्यादा हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है। उसके साथ ही साथ भाई यहाँ पे अपने को हैंड रेस्ट वगैरह का कुछ ऑप्शन नहीं मिलता है, और प्लास्टिक क्वालिटी यार थोड़ी सी शायद बेटर करनी चाहिए थी। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार हॉर्न का साउंड भी मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो भाई नॉर्मल सा हॉर्न है, एक बार इसका बोनट ओपन करते हैं और बोनट ओपन करके आप लोगों को इसका इंजन साउंड भी अपन सुना देते हैं। तो भाई यहाँ से अपने बोनट ओपन करने का, यहाँ पे अपने को भाई जो फ्यूल वाला है उसको ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। साथ साथ एक बार भाई इसको स्टार्ट करके दिखा देते हैं कि इंजन कैसा साउंड करता है। AC को बंद कर देते हैं भाई, फ्यूल लो है, कंपनी की गाड़ी है यार। तो गाड़ी को मैंने स्टार्ट कर दिया है, काफी लोगों का कंफ्यूजन है भाई कि 3 सिलेंडर इंजन है तो कितना ज्यादा नॉइस करता होगा, लेकिन भाई ऐसी नॉइस की कोई भी साउंड मुझे नहीं आ रही और शायद आप लोगों को भी भाई नहीं सुनाई दे रहा होगा कोई भी नॉइस। माइक को एक बार बिल्कुल पास करके और दिखा देता हूँ। तो भाई एक्चुअल में नॉइस जैसी कोई भी चीज गाड़ी के अंदर मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है, बहुत ही साइलेंट इंजन है। एक बार इसको बंद कर दे,
नहीं गाड़ी बंद नहीं करनी, बोनट बंद कर इसका। हाँ तो भाई बोनट बंद करने के बाद में बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि गाड़ी स्टार्ट भी खड़ी हुई है। तो जो साउंड की प्रॉब्लम है, आप काफी भाइयों का कंफ्यूजन है, काफी लोगों ने ये भी डाला है कि भाई थ्री सिलेंडर इंजन है तो शायद साउंड करता होगा, लेकिन ऐसी कोई भी समस्या भाई गाड़ी के साथ में नहीं है। अभी गाड़ी को बंद कर दे, चलो एक बार इसकी हेडलाइट ऑन करना, हेडलाइट और दिखा देता हूं आप लोगों को। तो भाई ये एलईडी प्रोजेक्टर है, जला वापस जला। यहाँ पे भाई एलईडी प्रोजेक्टर दिए गए हैं, यहाँ पे भाई अपने को इसके अंदर हेलोजन इंडिकेटर दिए गए हैं, और जो डीआरएल वगैरह जो आएगी वो भाई अपने को टॉप मॉडल के अंदर देखने को मिलेगी, इसके अंदर खास नहीं देखने को मिलेगी। साथ साथ यहाँ पे भाई फॉग लैंप का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। बंद कर दे गाड़ी, बंद कर दे लाइट भी बंद कर दे। और ये जो ग्रिल है, ये भाई पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर जो ग्रिल दी गई है भाई, बेस से ऊपर वाले मॉडल के अंदर भी जो दी गई है वो काफी ज्यादा शानदार लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है वो चीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और भाई यहाँ पे ये जो लाइट है ये हेलोजन दिए गए हैं, क्योंकि बेस से ऊपर वाला मॉडल है भाई ये। और अलॉयज का, अलॉयज तो खैर इसके अंदर है नहीं। टायर साइज भी मैं आप लोगों को बता दूं भाई, 14 इंच के इसमें टायर दिए गए हैं, 165/80/14 के टायर दिए गए हैं। जो टॉप मॉडल अपने को मिलने वाला है उसके अंदर भाई अपने को डेफिनेटली ये अलॉयज मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ जो बेस मॉडल आने वाला है, बेस मॉडल के अंदर ये जो रियर व्यू मिरर है ये ब्लैक आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे भाई अपने को इंडिकेटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो बेस से ऊपर वाला मॉडल है उसके अंदर अपने को ये चीज मिल जाती है। और एक जो मेजर अपडेट किया गया है वो है पीछे वाला जो हैंडल है, वो पीछे वाला जो हैंडल है ये भाई अभी यहाँ पे दे दिया गया है। पुराने वाले मॉडल में भाई इसे जो पहले वाला मॉडल था थर्ड जनरेशन, उसमें अपने को ये यहाँ पे मिलते थे, तो इसको भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट कर दिया गया है। साथ ही साथ पीछे की जो टेल लाइट है वो भाई यहाँ पे अपने को एलईडी मिल जाती है, यहाँ पे अपने को एक हेलोजन वाला लैंप मिल जाता है, यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो भी हेलोजन वाला मिल जाता है। और ओवरऑल पीछे का जो लुक है वो चीज़ आप लोग एक बार देख सकते हो यार, काफ़ी शानदार लग रही है गाड़ी। और एक चीज़ और है भाई कि इसके अंदर पीछे वाला कैमरा नहीं दिया गया है, वो सिर्फ अपने को भाई टॉप मॉडल में मिलेगा। तो भाई मेरे हिसाब से यार पार्किंग कैमरा तो देना चाहिए था बेशक, कुछ यार 5,000-7,000 रुपए और बढ़ा देते, लेकिन पार्किंग वाला कैमरा होता तो भाई काफ़ी चलाने वालों के लिए आसानी हो जाती, तो वो चीज़ होनी शायद ज़्यादा ज़रूरी थी। बाकी इसके जो टॉप मॉडल के अंदर ये सभी ऑप्शन अपने को मिलने वाले हैं जो इसके अंदर मिस किए गए हैं, उसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगा। और इस गाड़ी के प्राइस की अगर बात करें तो भाई लगभग 6,49,000 एक्स शोरूम से स्टार्ट होकर लगभग 9,64,000 रुपये एक्स शोरूम तक इस गाड़ी का प्राइस गया है। जो टॉप मॉडल है उसकी वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा, जो हमारे यहाँ पे भैरोड में 10,84,000 आई थिंक से ऑन रोड पड़ रही है। बाकी बेस वाला मॉडल है वो लगभग 7,80,000 के आसपास ऑन रोड पड़ रहा है, तो 3 लाख रुपये का ऑन रोड फर्क पड़ने वाला है दोनों ही गाड़ियों के अंदर। तो आप लोगों को भाई ये नई वाली स्विफ्ट कैसी लगी वो चीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।